खड़ा हूँ चंडीगढ़ पीजीआई के पास, और पीजीआई के पास ये नज़ारा दिखाना जरूरी समझता हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं शायद जो चंडीगढ़ में है उनको शायद इस बारे में जानकारी है पर बाकी लोगों को नहीं, पर एक बार आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसा कि आपको पता है कि साइकिल ट्रैक पे गाड़ी चलाने पे चलान है, पर उसके अलावा जो साइड में आप फुटपाथ देखते हैं, जो एम्प्टी स्पेसेस देखते हैं, जो सामने फुटपाथ के ऊपर बात जगह खड़ी है, यहाँ पे कई बार लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो इसका भी चलान है। जी हाँ, मैं लोगों को दोबारा से अवेयर कराना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलान काटा जाता है। आमतौर पर आप देख सकते हैं कि रेगुलरली अब अगर ऐसे कहीं गाड़ी दिखती है तो चंडीगढ़ पुलिस ने एक नया कदम उठाया कि वो क्लैंप लगा देते हैं। जी हाँ, जैसा आप सब देख सकते हैं, क्लैंप लगा दिए जाते हैं, गाड़ी आपकी बंद हो जाती है, गाड़ी आप मूव नहीं कर सकते, और अगर आपने क्लैंप को तोड़ने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर पर्चा हो सकता है। तो ये भी आपको अवेयर कर दूं कि क्लैंप से कोई भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि क्लैंप से छेड़छाड़ करने पर भी आपके ऊपर बनती कार्रवाई की जाती है। एक बार जब क्लैंप लग जाता है तो उसके लिए आपको फिर क्या क्या, क्लैंप लगने के बाद अगर तो पुलिसकर्मी आपके आसपास है या उस समय आप आ जाते हैं जब क्लैंप लग रहा है, तो क्लैंप खोल देती है ट्रैफिक पुलिस और आपका चलान आपके हाथ में देती है। पर अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, एक बार आपका चलान हो गया, आपको यहाँ से जाना होगा 29 जहाँ ट्रैफिक पुलिस लाइन है, वहाँ पे आप चलान भरेंगे। चलान भरते वक्त आपको सभी डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। जी हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप वहाँ गए, आपने चलान रॉन्ग की, गलत पार्किंग का चलान भरा हो काफी, नहीं, फिर आपका इंश्योरेंस चेक होगा, आपका पोल्यूशन चेक होगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस RC हर एक चीज चेक होगी, और इनमें से किसी का भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तब आपको उन सभी डॉक्यूमेंट का चलान भरना पड़ेगा। जी हाँ, अगर एक गलती करते हैं आप, अगर आप यहाँ पे साइकिल ट्रैक्स के आसपास या खाली जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है आपको उन सब का चलान भरना पड़ेगा। जी हाँ, चाहे आपके इंश्योरेंस खत्म हो, चाहे आपकी पोल्यूशन खत्म हो, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो आपको उसका चलान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मैंने ये चलान की अवेयरनेस लगभग सबके पास है, चंडीगढ़ की हम बात करते हैं, लगभग सभी को पता है कि चलान बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए लोग बहुत ज्यादा संभल के ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, तो इस चीज का ध्यान देने की क्या जरूरत है। तो देखिए, हम अभी पीजीआई के पास खड़े हैं, आमतौर पर यहाँ पे लोग किसी न किसी परेशानी के चलते आते हैं, तो लोगों को अवेयर होने की जरूरत है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर आप किसी से मिलने आ रहे हैं या फिर आप ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो थोड़ा आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन ट्रैक्स के ऊपर या इन जो खाली पड़ी जगहों के पास गाड़ी खड़ी ना करें, क्योंकि अगर गाड़ी खड़ी होती है और क्लैंप लग जाते हैं तो आप गाड़ी चला नहीं सकते, और उस टाइम जो स्थिति होती है तो हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल ज्यादातर इमरजेंसी केसेस में ही आता है, और खासतौर पर पीजीआई की बात करें तो इमरजेंसी के आसपास के सिनेरियो में ही आता है। तो इसलिए उन चीजों को अवॉइड करने की, आप बंद के ना रह जाए, क्योंकि जो सिचुएशन है जैसे जैसे खराब होती है वो ऐसे ऐसे, अगर हम कहें कि हमारा मन भी उस हिसाब से नहीं होता, तो बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें, क्योंकि पार्किंग की सुविधा है, या पार्किंग में नहीं तो आप जो सामने मार्केट, मार्केट की पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करके आए, अगर आपको अंदर जगह नहीं मिल रही तो आपका चलान भी नहीं होगा और आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी। चंडीगढ़ से अमित कुमार, हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें।